वरुण धवन नताशा दलाल की शादी की गेस्ट लिस्ट हुई आउट। धवन फैमिली के स्टेटमेंट के बावजूद मीडिया में वरुण नताशा के शादी का बज लगातार है। आखिर क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। वरुण धवन और नताशा दलाल की शादी की खबर फिलहाल मीडिया के गलियारों में छाई हुई है। कभी कुछ रिपोर्ट्स इस खबर को कंफर्म कर रहे हैं, तो वही कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि वरुण के अंकल ने खुद इस शादी की खबर को गलत साबित किया। लेकिन इसके बावजूद भी खबरें हैं कि अलीबाग में ये कपल शादी के बंधन में बंधेंगे। अब दोनों के फंक्शंस की डिटेल सामने आई हैं। इसके साथ ही शादी में कौन कौन मेहमान होगा और नताशा का ब्राइडल आउटफिट कौन डिजाइन करेगा, इसके बारे में भी पता चला है। आपको बता दें कि TV9 की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की शादी के फंक्शंस 5 दिन चलेंगे। 22 जनवरी से शादी के फंक्शन शुरू होंगे और 26 जनवरी तक चलेंगे। पीपिंग मून की रिपोर्ट के मुताबिक नताशा खुद अपना ब्राइडल आउटफिट डिजाइन करेंगी, क्योंकि वो एक फैशन डिजाइनर है। वहीं वरुण का आउटफिट कुणाल रावल डिजाइन करेंगे। वरुण और नताशा के शादी के फंक्शन की शुरुआत संगीत सेरेमनी से होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार वरुण के बॉलीवुड के दोस्त करण जौहर, मनीष मल्होत्रा, सारा अली खान, अर्जुन कपूर, मलाइका अरोड़ा, जानवी कपूर, खुशी कपूर, कैटरीना कैफ, नीतू कपूर, कियारा अडवाणी, अनिल कपूर, रिया कपूर और हर्षवर्धन कपूर इस फंक्शन में शामिल होंगे। वरुण की क्लोज फ्रेंड सोनम कपूर अहूजा इस सेरेमनी को मिस कर सकती हैं, क्योंकि वो अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग कर रही हैं और वहां से वो आ भी जाएंगी तो पहले उन्हें क्वारंटीन होना पड़ेगा। वेल, डेविड धवन और सलमान खान के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है, तो खबरें हैं कि सलमान भी शादी में आएंगे। वहीं करण जौहर संगीत सेरेमनी में धमाकेदार परफॉर्मेंस देंगे। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक वरुण और नताशा चाहते हैं कि वो सनसेट वेडिंग करें, इसलिए वो अलीबाग बीच में सूर्यास्त के दौरान सात फेरे लेंगे। शादी के बाद दोनों मेहमानों के लिए रिसेप्शन डिनर रखेंगे। रिसेप्शन में डेविड धवन के दोस्त भी शामिल होंगे। वेल, फिलहाल इस खबर को बॉलीवुड नाउ कंफर्म नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से सामने आई ये अपडेट्स फिलहाल चर्चा का विषय हैं। इस वीडियो पर आप हमें बताइए अपनी राय। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।